मिर्जापुर में माँ विंध्यवासिनी दरबार में अष्टमी नवमी के दिन 5.5 लाख भक्तों ने टेका माथा। चैत्र नवरात्रि अष्टमी नवमी के दिन शनिवार को माँ विंध्यवासिनी के दरबार में लगभग 5.5 लाख श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। भोर से ही धाम में माँ के भव्य स्वरूप दर्शन के लिए भक्तों का रेला लगा रहा। फूल मालाओं से चरित्र आभूषण से माँ का भय सिंगार व दर्शन पाकर भक्त निहाल हो गए। धाम में बज रहे घंटा घड़ियाल शंकरी नगाड़ा और जयकारे से पूरा मंदिर गूंज उठा। शनिवार को अष्टमी नवमी होने से भोर से ही माँ विंध्य की मंगला आरती के बाद भक्तों के आने का सिलसिला बढ़ता गया, जो गलियों में भक्तों का रेला उमड़ा पड़ा। विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करके सुख समृद्धि की कामना की गई। गंगा घाट पर स्नान ध्यान करने के बाद भक्त नारी चुनरी एवं प्रसाद लेकर माँ के दरबार में पहुँचे व जयकारे लगाते रहे। मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के लिए मेले में घूम रहे एवं स्काउट गाइड के बच्चों ने माँ के भक्तों की सेवा करने में जुटे हैं। वहीं विंध्य पंडा समाज के अध्यक्ष पंकज द्विवेदी, मंत्री भानु पाठक सहित समाज के अन्य पदाधिकारी दूर दराज से आए भक्तों के लिए सेवा में नजर रखते रहे। माँ विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने के बाद बड़ी संख्या में संभागियों ने त्रिकोण परिक्रमा की, अष्टभुजा पहाड़ पर विराजमान माँ काली व अष्टभुजी देवी के धाम में पूजा करने पहुँचे। मिर्ज़ापुर से संवाददाता सूरज कुमार की रिपोर्ट, समाचार इंडिया न्यूज़, मिर्ज़ापुर।